सो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ सब सही हो गया। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि व्हाट्सएप हमारे डाटा को कौन से वेबसाइट पे और कौन से एप्लीकेशन पे लीक कर रहा है फेसबुक के थ्रू, ठीक है ना। यहाँ पे आपको मैं फेसबुक के पेज पे, ऑफिशियल पेज पे लेकर के जाऊंगा और आप सभी को बताऊंगा से फेसबुक हमारे डाटा को कौन से प्लेटफॉर्म पे अभी तक शेयर कर चुका है और आगे आने वाले समय में कहाँ कहाँ पे शेयर करेगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी दबा लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस को आप कभी मिस नहीं करेंगे इस यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे मैं वीडियोस को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप सभी को लेकर के चलूंगा फेसबुक के ऑफिशियल पेज में। अगर आप चाहते हैं तो उसको डेस्कटॉप साइड में भी ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आप सभी को मोबाइल के थ्रू डेस्कटॉप साइड में ओपन करके बताऊंगा से आप कैसे पता कर सकते हैं से आपका डाटा कौन से प्लेटफॉर्म पे व्हाट्सएप के थ्रू लीक हो रहा है। अगर आपने एलो कर दिया है तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए और अगर आपको लगता है ये वीडियो का कॉन्टेंट अच्छा है तो अगर आप चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सो फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने फेसबुक के ऑफिशियल पेज पर, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप साइट को ओपन किया हुआ है, जैसे कि आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपको क्रोम ब्राउज़र में जाना है। अगर आप चाहते हैं तो ऑफिशियल फेसबुक के ऐप से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्रोम ब्राउज़र या फिर लैपटॉप पीसी कहीं भी अभी आप जा करके लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल करके थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो थ्री डॉट पे आपको यहाँ पे जाना है, जैसे मैं आपको जा करके बताता हूँ। यहाँ पे नीचे आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे सीधा आपको सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले डेस्कटॉप साइट को ओपन करके तब भी सेटिंग्स आपको ओपन करना है और नीचे जाने के बाद तुरंत सेटिंग्स के नीचे जाना है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑफ फेसबुक एक्टिविटी। ध्यान से आप फ्रेंड देख लीजिए, ऑफ फेसबुक एक्टिविटी यही है वो चीज़ जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा से आपका एक्टिविटी कहाँ कहाँ पे कौन से प्लेटफॉर्म पे शेयर हो रहा है। व्हाट्सएप आपके कौन से प्लेटफॉर्म पे आपका एक्टिविटी को, आपके डाटा को शेयर कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल, अगर मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कितने एक्टिविटी मेरे टोटल कितने वेबसाइट पर शेयर हुए हैं, मेरे डाटा को किया गया है। तो यहाँ पर मैं क्लिक किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं 182 ऐप्स को मेरा, मतलब मेरा डाटा लीक किया गया है 182 ऐप्स को, एप्लीकेशन को। और यहाँ पे ऐसे ऐसे भी एप्लीकेशन हैं जो कि मैंने अभी तक यूज़ भी नहीं किए हैं, उन सभी को भी उनको भी मेरा डाटा को लीक किया गया है उस एप्लीकेशन पर भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और ये देखिए कितना सारा एप्लीकेशन है, जैसे कि ICICI बैंक हो गया, iMobile.com हो गया, बहुत सारे ऐसे ऐसे भी एप्लीकेशन है, ऐसे ऐसे वेबसाइट्स भी हैं जहाँ जहाँ पे मैंने अभी तक विज़िट तक नहीं किया है। और फिलहाल मैंने बहुत सारे वेबसाइट विज़िट किए हैं, इसमें से Canva.com, Fiverr, बहुत सारे वेबसाइट, और यहाँ पर ये सब वेबसाइट मेरा एक्टिविटी को देखे हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, ठीक है ना। व्हाट्सएप फेसबुक को मेरा डाटा दिया है और फेसबुक ने इतने सारे को मेरा डाटा दिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्सार्ट हो गया है, स्पॉटिफाई हो गया है, हॉटस्टार हो गया है, काइंड मास्टर हो गया है, IRCTC रेलवे का एप्लीकेशन है, Fiverr.com है, MX प्लेयर है, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं आप देख सकते हैं। तो इतने सारे एप्लीकेशन में मेरा डाटा लीक किया गया है। और यहाँ पे जैसे पेटीएम है, बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे भी हैं जो मैंने अभी तक यूज़ भी नहीं किया है और वहाँ पे भी मेरे डाटा को लीक किया जा रहा है और आपके साथ भी ऐसा होगा। अगर आप व्हाट्सएप के टर्म्स एंड कंडीशन को एलो करते हो तो आपके साथ भी ऐसा होगा। सो फ्रेंड्स, तो अभी तक आप सभी को पता चल गया होगा कि फेसबुक हमारे, मतलब व्हाट्सएप हमारे डाटा को फेसबुक में किस तरीके से लीक कर रहा है। मैंने आपको लाइव प्रूफ बताया, ऐसे मैंने खुद व्हाट्सएप को एलो किया है और उसमें जैसे मैंने एलो किया तो विद इन 24 आवर्स के अंदर मैंने व्हाट्सएप पे सोचा से चलो फेसबुक पे जाऊं, और फेसबुक पे जैसे मैं गया, डेस्कटॉप साइट में ओपन किया तो मुझे पता चला से इतने सारे वेबसाइट्स हैं जिसमें 182 से भी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जिसपे मेरा डाटा को लीक किया गया है, ठीक है ना। मेरे पर्सनल डाटा को 182 से भी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं रियली, क्योंकि मैंने आपको वीडियो प्रूफ बताया है, वीडियो लाइव प्रूफ बताया है, ठीक है। यहाँ पे आप सभी को पता चल गया होगा पूरी तरीके से व्हाट्सएप हमारे डाटा को लीक करना स्टार्ट कर दिया है और आने वाले समय में बहुत सारे काम वो कर सकता है हमारे डाटा से रिलेटेड।
अगर आप चाहते हैं तो व्हाट्सएप के अलावा कोई और एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। मैं नहीं मानता हूं उसे व्हाट्सएप को अभी यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर आप व्हाट्सएप को यूज करते हैं तो वो आपके ही मर्जी पे होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप व्हाट्सएप पे कोई केस नहीं कर सकते, व्हाट्सएप के थ्रू आप कोई भी इल्जाम नहीं लगा सकते, क्योंकि व्हाट्सएप के टर्म्स एंड कंडीशन प्राइवेसी पॉलिसी को आप खुद मान रहे हो, एलो कर रहे हो, ठीक है ना। तो व्हाट्सएप पे आप कोई भी इल्जाम नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबल चीज यही है से आप पॉसिबल कैसे है? अगर आप चाहते हो से व्हाट्सएप को हम कैसे ऐसे यूज करें हमारे डाटा को लीक ना किया जाए, तो पॉसिबल पॉसिबिलिटी बहुत कम है। आपको बस यही करना है से जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया से आपको हैशटैग लगाना होगा अदर अदर प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि टिकटॉक यूट्यूब हो गया और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको बताना होगा, मेंशन करना होगा से हमारा डाटा लीक हो रहा है और हमारे साथ ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको हैशटैग लगा करके बोलना होगा से व्हाट्सएप बैन इन इंडिया, ठीक है, जिससे व्हाट्सएप को वो हैशटैग दिखे और व्हाट्सएप समझे से आने वाले फ्यूचर में हमारा क्या होगा, हम अपने खर्चे को कैसे निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे WhatsApp खुद हमको धमकी दे रहा है, वार्निंग दे रहा है, आप समझ रहे होंगे, उसमें स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है से अगर आप चाहते हो तो हमारे प्राइवेसी पॉलिसी को मानो या फिर आप कोई और प्लेटफॉर्म देख लो, हमें आपका कोई जरूरत नहीं है। तो WhatsApp हमको धमकी दे रहा है या उनका मतलब यही है, ठीक है। आप प्राइवेसी पॉलिसी को अच्छे से पढ़ सकते हो अगर आपको इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो, ठीक है। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है और अगर आपको जानना है ऐसे इन्फॉर्मेशन क्या क्या है व्हाट्सएप का, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा या फिर आप मेरे पिछले वाले वीडियोस को देख सकते हो जिसमें आपको पता चलेगा व्हाट्सएप का क्या अपडेट है और उसका प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, जिसमें आपको बताया क्या क्या गया है व्हाट्सएप का क्या अपडेट है, ठीक है ना। मैंने आप सभी को पूरा डिटेल में बता दिया। अभी देखते हैं व्हाट्सएप का क्या होता है, इन फ्यूचर व्हाट्सएप रहता है या फिर नहीं रहता है, ठीक है ना। फिलहाल के लिए दोस्तों फ्रेंड, आने वाली वीडियो में मैं आपको बहुत सारे चीज बताऊंगा व्हाट्सएप के बारे में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको इस कंटेंट को बहुत अच्छा लगा हो, ये कंटेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और खास करके दोस्तों को शेयर कर दीजिए उन सभी दोस्तों को जिसको पता नहीं है से व्हाट्सएप पे हमारा डाटा कैसे लीक हो रहा है और हम कैसे पता कर सकते हैं कौन से वेबसाइट्स हैं जिसमें हमारा डाटा लीक हो रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। फिलहाल के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।